सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे आं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। जापान की यात्रा मगरों पापुआ न्यू गिनी रवाना होए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट राही सांझी की जानकारी, कहा प्रधानमंत्री मोदी नूं मिलेगा विशेष सम्मान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेतीबाड़ी ट्यूबवैल खत्म करने दी वड्डी राहत, कहा बिजली निगमों वालों जारी सर्कुलर नहीं होगा लागू। पंजाब की तीरअंदाज अवनीत कौर ने विश्व कप में जितया कांसी का तमगा। खेड मंत्री गुरमीत सिंह बीतहेर ने तीरअंदाज को दी मुबारकबाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के दौरे ते ने, जिस विच उन्हां ने पहला जापान विच आयोजित G7 सम्मेलन विच हिस्सा लिया। इस तों बाद दूजे पड़ाव विच ओह हिंद प्रशांत महासागर विच स्थित देश पापुआ न्यू गिनी लई रवाना हो चुके ने। मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होणगे। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि जापान के सफल दौरे तों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूजे पड़ाव ते पापुआ न्यू गिनी लई फ्लाइट विच सवार हो गए ने, जिस तों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्ट्रेलिया जाणगे। प्रधानमंत्री मोदी नूं इन्हां विदेशी दौरों लई माण सन्मान मिल रहा है, पर पापुआ न्यू गिनी जाण ते प्रधानमंत्री मोदी नूं अजिहा विशेष सन्मान मिलेगा जो कुछ ही नेतावां नूं मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली निगमों वालों किसानों उत्ते खेतीबाड़ी खेतर विच बिजली चोरी उत्ते लगाए जाने वाले जुर्माना सर्कुलर नूं वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि यह सर्कुलर HERC वालों की गई सिफारिश उत्ते जारी किया गया सी, पर सरकार HERC दे आदेश नूं मनण लई पाबंदी शुदा नहीं है। मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि निगमों वालों जारी इस सर्कुलर नाल किसानों उत्ते बहुत वड्डा जुर्माना तय हो रहा सी। इस सर्कुलर विच जुर्माने की रकम 6 लाख रुपए तक बना दी गई सी, जदों कि इस तों पहला किसी किसान का जेकर कोई डिफॉल्ट मिलता सी तां उस उत्ते 2000 रुपए तो लैके 20000 रुपए तक का जुर्माना लगता सी। उन्होंने कहा कि जिवें ही सरकार नूं सर्कुलर के बारे में जानकारी मिली तो हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि किसान हित में वह इस सर्कुलर नूं लागू नहीं होने देंगे। पिछले दिनों में एक सर्कुलर हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ओर से निकल गया था, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा की ओर से, और उसमें कोई अब सही विषय तो यह है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कंपनीज भी अपने आप डील करती हैं और फिर HERC भी उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है 2000 से लेकर और 20000 तक, ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं। लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके ऐसी हालत खराब हो जाएगी, तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। HERC का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन HERC के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज़ के लिए या ये HERC का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका ना मिलता हो। वो तो जितनी AP को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा अभी भी लगभग 6000 करोड़ रुपए से ऊपर जो AP फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज़ को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज़ को नहीं होता। सरकार ज़रूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है।
अलग से उसके कनेक्शन कुंडी कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। चीन के शहर शंघाई में चल रहे तीरंदाजी खेड के विश्व कप में भारत तरफों खेडदे पंजाब की तीरंदाज अवनीत कौर ने कांसी का तमगा जितया। अवनीत ने विश्व कप में महिला वर्ग में व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले में तीजे स्थान वाले मैच में तुर्की की तीरंदाज न 147 ते 144 पॉइंटों के फर्क न हरा के कांसी का तमगा जितया। पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहर ने समाणमती प्राप्ति उत्ते तीरंदाज अवनीत कौर को मुबारकबाद देंदे कहा कि उसने सूबे और देश का नाम रोशन किया। उन्हें इस प्राप्ति का सिहरा तीरंदाज की सख्त मेहनत लगन और समर्पण भावना के नाल नाल उसके कोच और उसके मापिया सर बनिया। खेड मंत्री ने अवनीत को भविष्य के मुकाबले लिए शुभकामनावां दित्तियां ते कहा कि इस खेड में देश का भविष्य है। उन्होंने आस प्रगटाई कि आने वाले समय में अवनीत कौर इस खेड के वड्डियां प्राप्तियां करेगी। अवनीत की यह प्राप्ति सूबे में नवी उम्र के खिडारियों लिए चानण मुनारा बनेगी। मीतहर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सूबा सरकार पंजाब नूं मुड़ खेडां विच नंबर एक बनाउण दे उपराले कर रही है। इस बार खेडों के बजट में 55% वाधा किया गया है। उन्हें कहा कि नवी खेड नीति भी जल्द आ रही है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ट्वीट का जवाब देंदिया प्रतिक्रिया दी है। उन्हें कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर गुरु घर का प्रबंध करने के समर्थ है। मुख्यमंत्री जी गुरबाणी प्रसारण या गुरु घर के मामलों बारे ट्वीट करके संगत में बेलोड़े विवाद और दुविधा पैदा न करो। सिख संस्था और कौम के किए जाने वाले पंथक कार्यों के अधिकार खेत्र होर होंगे ने सरकार के अधिकार खेत्र वक्रे होंगे ने। सरकार के अधिकार खेत्र में तुहाड़ी सरकार नाकाम साबित हो रही है। तुसी श्री दरबार साहब की गल करते हो इस केंद्रीय सिख स्थान के आले दुआले सरकार की तरफों किए जाने वाले कार्यों की स्थिति वेखो की है। सरकार के अधिकार वाला गलियारा उजड़ चुकिया। विरासती मार्ग के रख रखाव उत्ते कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं आउंदे रस्तियां का बुरा हाल वेखो। भावें सरकार कोल पैसा जो लोगों का ही है पर अपनी तरफों पैसा जिथे लगाउण वाला उत्थे लगाओ। बिना मतलब गुरबाणी प्रसारण लई खर्च की गल करके कौम नूं दुविधा विच ना पाओ। गुरद्वारा पातशाही नवी फगूवाला विच इशनान करन समय सरोवर विच डुबण कारण दो लड़कियां दी मौत होण दी खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार अज एतवार की छुट्टी होने कारण भवानीगढ़ तो सुनाम नूं जांदी मुख सड़क उपर स्थित गुरद्वारा पातशाही नवी विच दसवीं की प्रीख्या विचों पास होए 8 लड़के नतमस्तक होकर वाहिगुरू का शुकराना कर लिए सन। गुरु घर के मैनेजर दविंदर सिंह ने दसा कि दरबार साहब विच मत्था टेकण तो बाद यह मुंडे गुरु घर के सरोवर विच इशनान करन लगे, जिस दौरान इन्हां विचों तीन सरोवर विच डुब गए। इस संबंधी उन्हां गुरु घर विच अनाउंसमेंट की ते मौके ते पहुंचे लोगों ने तुरंत इन्हां लड़कियों नूं बाहर कढ़न लई अभियान शुरू कर दिता। काफ़ी कोशिशों तो बाद सिर्फ एक लड़के नूं बचाया जा सकिया, जबकि दो लड़कियां जसकरण सिंह अते अक्षय की मौत हो गई। ये तकरीबन 1 बजे के करीब 7-8 मुंडे सरोवर च बड़े ने आके नहाउण वास्ते। तो मैं कैमरे राही देखा जदों भी मुंडे नहा रहे, मैं अंदर बाबे नूं जिहड़ा दरबार साहिब च पहरे ते है उन्हूं कहा भी इन्हों बच्चे नूं बाहर कढ़ दिओ, क्यों मैं देखा भी उन्हां दे बच्चे दे सिर लंगे थे। चलो उन्हें बाबा कहिंदा मैं कहना एक बार मैं कह के आया, जदों बाबे ने दुबारे घूरे वो बाहर निकले, मतलब उदू बाद मैं फिर देखा भी निकलता है नहीं है वो फिरते थे, मतलब वो बच्चे जो डुब गए उन्होंने लभदे कदे ऐ भजदे कदे ऐ भजदे थे। घटना तो सर भी पहला देखो बच्चे नहा रहे थे, 7-8 बच्चे थे, मनेजर साहब ने कैमरे थाई देखा भी है। उन्होंने कहा सिंह नूं जिहड़ा सेवादार देखते कहिंदा भी भाई उन्होंने बच्चों बाहर कढ़ो नंगे सिर नहा रहे, वो कहते संगत आई हुई थी देखते अंदर चले गए। उस बाद बच्चे डुब गए, मनेजर साहब का मैनूं फोन आया, उदों दा सारा नगर ते सारा जिम्मेवार बंदे गुरु घर सीगे, पर कुदरत दे जो उहदे अगे कोई होणी अगे नहीं टाल सकदा, वो बच्चे दी उत्थे डैथ हो चुकी सी। जो गुरद्वारा जिहड़ा फगूवाला नवीं पातशाही दा साहिब दा गुरद्वारा साहिब, तो उत्थे जिहड़े अज दुपहर वक्त करीब 1:30 बजे जिहड़े बच्चे जी सरोवर दे विच नहा रहे सीगे, तो ये 12 तो 14 साल उम्र सी जी। एक सी जिहड़ा पिंड रेतगढ़ दा रहण वाला, दूजा पिंड कपियाल दा, तो इन्हों जो उत्ते तैरना नहीं आता सी, जिस कारण इन्हों की उत्ते ड्रॉनिंग के कारण डैथ हो गई हैगी। तो इस तो बाद जिहड़ियां बॉडीज़ ने असी इत्थे सिविल हॉस्पिटल भवानीगढ़ साहब तो शिफ्ट करवा रहे हैं संगरूर, तो उस तो बाद जिहड़ी पेरेंट्स दे जिहड़ी स्टेटमेंट लिख के जिहड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पंजाब दे जेलां अलर्ट उत्ते चल रही ने, जेलों में सख्ती के बावजूद फिरोजपुर जेल में बंद दो हवालातियां अजय जीतराम अते लखन वल्लों पुरानी बैरक नंबर 7 विचों फोटो अते वीडियो वायरल की गई ने, जिसनों लेकर जेल अधिकारियों वालों की गई लिखती शिकायत के आधार उत्ते थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने अजय जीतराम अते लखन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਤੰਬਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਆਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 33 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਤਰਾਈ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ये जो अज दुर्घटना हुई है दुखदाई है, पहला भी हजा एक महीना पहला ही प्रोग्राम लंघ के हटिया है और अमृतधारा पीत जिन्होंने विसाखी कहते हैं और जेद 11 मौत हुई 3 गढ़ी और 8 इतने हुई और अज फिर दुर्घटना हुई है। संगत आ रही है ट्राली से आ रही है पता चौक तो दस रहे कोई पिंड उतो की संगत है और जी एक पुड़ी है डेंजर है जबकि मैं हजार 3 दिन पहला ही ठेकेदार को यह गल कही भी इधर पहला दीवार करो ये खतरे वाला इतने कोई भी ट्रैक्टर ट्राली रुक सकता है पर मैनू नहीं समझ आती भी ठेकेदार इस गल क्यों नहीं मन रहे। तो अज दुर्घटना हुई है जिदे ज़्यादा संगतों सट्टा लगियां और वो दो जड़िया अज फिर मौत हुई असी सू दुखी जाहिर करते हैं परिवार के नाल। हरियाणा के हिसार जिले तो वड्डी खबर सामने आई है जिथे गैस चढ़न 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 4थे नूं लोगों ने समा रहिंदे बचा लिया। यह हादसा खूह की सफाई करन दौरान वापरिया। घटना की सूचना मिलदिया ही प्रशासनिक अधिकारी SHO समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दसा जा रहा है कि जयपाल, नरेंद्र, सुरेश और विक्रम नाम के 4 मजदूर खूह की सफाई लिए पहुंचे सन। सब तो पहला खूह में जयपाल उतरिया, जदों उपर नहीं आया तो उसनों वेखण लई नरेंद्र खूह में गया। दोवां के उपर ना आने उत्ते सुरेश भी खूह में चला गया जबकि उपर खड़ा विक्रम भी खूह में उतरिया पर पौड़ियां उत्ते ही उसकी सेहत बिगड़ गई और वह मशक्कत करके बाहर आ गया। विक्रम ने उस तो बाद रौला पाया जिसनों सुन के आले दुआले किसान खूह से इकट्ठे हुए, जिस तो बाद पिंड वाले ने प्रशासन को सूचना दी इन्हां दी लाशां नूं बाहर कढ़िया गया। मोगा के बाघा पुराणा के पिंड माड़ी मुस्तफा कोल दो मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश लुटेरे महिला वकील का पर्स खो के फरार हो गई। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई जिस में वेख्या जा सकता है कि एक महिला पैदल जा रही है तो उस समय दो मोटरसाइकिल सवार पिछे मोटरसाइकिल उत्ते आए और पर्स खो के फरार हो गई। महिला वकील पिछे भजदी रही पर लुटेरे फरार होने में कामयाब हो गए। बाघा पुराणा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। IPL 2023 रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स दरमियान मुकाबला बेंगलुरु के M Chinnaswamy स्टेडियम में खेडा जा रहा है। गुजरात टाइटन्स ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया है। खबरें लिखे जाने तक RCB ने 2 विकेट गुआ के 8 ओवरों में 80 दौड़ा बना लिया सन। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारते हैं मौसम के हाल से। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। धन्यवाद।